चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आयुष के लिए 1 सितंबर 2023 से रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं और जो स्टूडेंट आयुष में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी BAMS, VHMS, VUMS, VSMS इन सभी कोर्सेज में जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनकी काउंसलिंग 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने जा रही है। मैं आपको इसमें कंप्लीट ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का शेड्यूल बताऊंगा, कौन कौन सी डेट को ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी और कौन कौन सी डेट को स्टेट की काउंसलिंग होगी, दोनों की काउंसलिंग का शेड्यूल मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो जो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए आयुष की काउंसलिंग होती है यानी आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी, सीधा, इन कोर्सेज के लिए 15% ऑल इंडिया की काउंसलिंग AACCC द्वारा करवाई जाती है और 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग कंसर्न स्टेट द्वारा करवाई जाती है। इसमें जो कैंडिडेट प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर एक स्टेट की 15% सीटें अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। कोई भी कैंडिडेट अदर स्टेट में एडमिशन ले सकता है 15% प्राइवेट सीट पर, तो उस स्टेट के थ्रू उस कैंडिडेट को वहां की काउंसलिंग करवानी होगी। इसलिए मैं आपको स्टेट का भी शेड्यूल साथ साथ बता रहा हूं, कौन से स्टेट में कितने तारीख को और कब कब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी AACCC द्वारा। तो जिन कैंडिडेट्स को 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग लेनी एडमिशन लेना है या डिम्ड में एडमिशन लेना है तो वो AACCC द्वारा काउंसलिंग करवाएंगे और जिन कैंडिडेट्स को अपने स्टेट के गवर्नमेंट और प्राइवेट के 85% स्टेट कोटा में एडमिशन लेना है वो स्टेट से काउंसलिंग करवाएंगे और जिन कैंडिडेट को प्राइवेट के अदर स्टेट में एडमिशन लेना है प्राइवेट कॉलेजेस में वो 15% यानी हर एक स्टेट में सीटें रिजर्व हैं तो उस स्टेट की कंसर्न्ड वेबसाइट के थ्रू वो अपना एडमिशन करवाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ शेड्यूल बता देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा का भी शेड्यूल बता देता हूँ और स्टेट का भी शेड्यूल बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं आयुष और वेटनरी के बारे में तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बुक का लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी इसके लिए पेड सर्विस भी ले सकते हैं आयुष और वेटनरी के लिए। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे जो मोबाइल नंबर देंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे उसमें। तो सबसे पहले एक बार शेड्यूल देख लेते हैं, हम शेड्यूल ऑल इंडिया का भी देख लेते हैं। ऑल इंडिया की जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो 1 से 7 सितंबर 2023 तक होगा और स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा सभी स्टेट्स का वो रहेगा 8 सितंबर 2023 से लेकर के 20 सितंबर 2023 तक। अब जो लास्ट डेट ज्वाइनिंग रहेगी ऑल इंडिया की वो 13 सितंबर 2023 रहेगी और स्टेट्स की हर एक स्टेट्स की जो लास्ट डेट ज्वाइनिंग रहेगी वो 20 सितंबर 2023 रहेगी आयुष कोर्स के लिए। अब सेकंड राउंड देखते हैं तो ऑल इंडिया का सेकंड राउंड 20 सितंबर 2023 से स्टार्ट होकर 27 सितंबर 2023 तक हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 अक्टूबर 2023 को होगी। इसके बाद में स्टेट का देखेंगे सेकंड राउंड तो 28 से लेकर के 12 अक्टूबर 2023 को प्रोसेसिंग होगा, रिजल्ट की कार्रवाई होगी सारी और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी 12 अक्टूबर 2023। इसके बाद इसी प्रकार से थर्ड राउंड देखते हैं तो थर्ड राउंड का जो प्रोसेस रहेगा ऑल इंडिया के लिए वो 12 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक रहेगा और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी 26 अक्टूबर 2023। स्टेट का अगर देखें हम तो 19 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक रिजल्ट का प्रोसेसिंग रहेगा सारा सब कुछ, रजिस्ट्रेशन वगैरह रिजल्ट आएगा इसी में और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी 30 अक्टूबर 2023 स्टेट्स की। इसके बाद ऑल इंडिया का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा वो 18 नवंबर 23 को होगा और स्टेट का भी 18 नवंबर 23 को रहेगा और जो एडमिशन की कट ऑफ डेट रहेगी वो 20 नवंबर 23 रहेगी। इसके बाद में जो डाटा अपलोड होगा यानी AACCC का और बाकी स्टेट्स का वो 5 दिसंबर 23 से पहले ये अपलोड हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट शेड्यूल है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का, AACCC और स्टेट का दोनों का ये शेड्यूल है कंप्लीट शेड्यूल। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप AACCC का जो शेड्यूल देखेंगे वो शेड्यूल आप इस वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवानी है 15% के लिए तो AACCC.gov.in पर आप विजिट करेंगे, यहां पर आपको यूजी काउंसलिंग का लिंक मिलेगा, यहां से ही आपको काउंसलिंग करवानी है यूजी की, इस प्रकार का ये आपको पोर्टल मिलेगा। इस पर आपने अगर शेड्यूल देखना है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट अभी जारी नहीं हुआ है, शेड्यूल देखना है तो आप यहां से शेड्यूल देख सकते हैं इसका। एक बार हम इसका शेड्यूल देख ही लेते हैं तो जो मैंने आपको शेड्यूल बताया
वो यहाँ विस्तार से शेड्यूल दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट राउंड की जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की डेट है 1st से 4 सितंबर है, चॉइस फिलिंग की 2nd से 4 है, रिजल्ट आ जाएगा 7th सितंबर को और रिपोर्टिंग होगी 8th से 13 सितंबर। सेकेंड राउंड का सेम जो मैंने पहले बताया उसी प्रकार से 20 से 24 तक है इसमें रजिस्ट्रेशन, 24 को च्वाइस लॉकिंग है, इसके बाद 25th को इसमें प्रोसेसिंग है, 26 तक, 27 को रिजल्ट आ जाएगा, रिपोर्टिंग 28 से 5th अक्टूबर तक रहेगी। ऐसे ही थर्ड राउंड का है 12 से लेकर 13 तक सारा च्वाइस फिलिंग वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह है, 18th को रिजल्ट आ जाएगा, 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक काउंसलिंग का लास्ट डेट रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग रहेगा इसमें। इसके बाद में स्ट्रे वैकेंसी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसका रिजल्ट 4th ऑफ नवंबर 2023 को आ जाएगा, लास्ट डेट ज्वाइनिंग 4th से 11th नवंबर 2023 रहेगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड डिम्ड का खुद डिम्ड द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, वो लिस्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए AACCC द्वारा सभी डिम्ड को भेज दी जाएगी जो 10 टाइम लिस्ट होती है। तो ये एक कंप्लीट शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है AACCC आयुष के लिए, आयुष का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में किस प्रकार से आपने काउंसलिंग करवानी है, MBBS के साथ में कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने इसमें फर्स्ट राउंड में स्किप करना है, सेकंड राउंड में लेना है, कौन सा राउंड फ्री एग्जिट है, इसकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल मैंने आपको बताया, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। लेकिन विदा लेने से पहले आपको बताता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो नई इंफॉर्मेशन के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।